ठीक है। तो एसी ठीक करने के लिए ये पांच टॉपिक है, पहले क्लियरिटी करनी पड़ेगी पांचों को। तो पहला करवा दो तुमको ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। देखो ट्रांसफार्मर का तुम्हारा क्या है, अगर बात करो भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये होती है वाइंडिंग। इसकी वाइंडिंग का मतलब क्या हो गया, तार। तार जैसे इसका देखोगे आप, ठीक है भाई। हाँ सर, दो तरह दिखा जाए, एक लाल वाला और एक पीला वाला है ना, दो दो बारे में। एक तो होता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है ना इनपुट, प्राइमरी का मतलब क्या होता है इनपुट, और ये होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है आउटपुट, ये ध्यान है हमेशा। प्राइमरी का इनपुट और सेकेंडरी का होता है आउटपुट। प्राइमरी हमेशा एसी वोल्ट लेता है, यानी एसी वोल्ट आ जाएगी इसके अंदर जाएगी, और यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, एसी आउट करेगा। नहीं आता कि एसी आया एसी आउट, लेकिन फ़र्क क्या रहा है इसके अंदर, ये एसी वोल्ट को कम कर देगा, ये काम करता है। ये मैं स्टेप डाउन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, स्टेप डाउन। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से वोल्टेज हमारी आई 220, फॉर एग्जाम्पल मान लो 220 आई, यहाँ से वोल्टेज बाहर निकल गई 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट। यानी इस ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया भाई, काफ़ी सारी वोल्ट 200 वोल्ट तब तक क्या कर दिया, कम कर दिया। ये इस ट्रांसफार्मर का काम होता है मेन। अब पता कैसे करोगे प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा है, मतलब दो बार है ना यहाँ पे। अभी देखो अगर मैं ऐसे समझूँ, मोटी वायर है तो ये प्राइमरी हो गया, पतली वायर है तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका होता तो वो मल्टीमीटर से।